हेलो एवरीवन, आदाब सलाम नमस्कार आप सबको। मेरा रऊफ खान आफरीदी कोटा सिटी राजस्थान से। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज एक जावा को बनाने में कितना खर्चा आ सकता है, कितना खर्च आ जाता है। जावा जो बिल्कुल बिल्कुल रोस्ट कंडीशन में जावा है, उसको पिन टू पिन ओरिजिनल बनाने में कितना खर्चा आ सकता है, तो गाड़ी में आपको दिखाने जा रहा हूँ। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तो ही आपको समझ में आएगा हमारी एक एक बात, और गाड़ी के अंदर हमने क्या क्या काम किया है, कलर कैसे किया है, निकल क्या हुआ है, क्रोम वर्क क्या हुआ है, ये सब आप वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में। तो दोस्तों, आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको एक जावा जो बिल्कुल रोस्ट कंडीशन में हमारे पास में आई थी। प्रीवियस में आप फोटो देख चुके हैं कि क्या कंडीशन थी गाड़ी की। गाड़ी बिल्कुल ऐसी आई थी भैया कि गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब गाड़ी बिल्कुल रस्टेड थी। और इसको जीरो से हीरो बनाने में हमारे को कितना खर्चा है, ये आज हम बात करेंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ जावा कंपनी में, जो मेरे कोटा जावा शोरूम है, वहाँ के वर्कशॉप में, और ये गाड़ी हमने यहीं पे कंप्लीट की है। तो आइए बात करते हैं हमारे हेड मैकेनिक साहब मिस्टर इस्माइल भाई से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में, नमस्कार। तो उस्ताद, बताएं इसके बारे में कि ये कौन सा मॉडल है, क्या है? सर, ये ओल्ड मॉडल है जी, मॉडल है सर ये, बेहतर तेहतर मॉडल है जी। तो हमारे पास भंगारी ये गाड़ी आपके पास में कैसे आई? ये भंगार ओवर का ये सर, रिपेयरिंग के लिए यहाँ से 200 किलोमीटर दूर से जी। नंबर तो ये शायद अजमेर का नंबर है जी, राजस्थान का नंबर है जी। हाँ, पूरी भंगार ओवर का है, तो हमने क्या है पूरी ओवरऑलिंग की है इसकी, जनरल ओवरऑलिंग। एक खर्चा पूछना चाहता हूँ मैं उस्ताद आपसे कि इसके जो इंजन वर्क है, देखो दोस्तों, इंजन कितना ज़बरदस्त शाइन कर रहा है। इंजन पे पूरा क्रोम वर्क हुआ है, बेंड पाइप क्रोम वर्क है, और बाकी सारा क्रोम वर्क आपको दिखाई देगा। टंकी इवन इतनी ज़बरदस्त क्रोम है कि मेरा फोटो आपको नज़र आ रहा होगा टंकी के अंदर। और कलर की बात करूँ मैं तो देखिए क्या ग्लोस शाइनिंग कलर है। तो उस्ताद, इसका इंजन जो था वो किस स्थिति में था, आप बताएं? पूरा खत्म, पूरा जंग लग रहा था सब जी, वो तो मैं फोटो में देख चुका हूँ जी। सारा भंगार हो रहा था, इसको पूरा खोल करके हमने जी पूरी की सफाई करके जी, जो पार्ट्स खराब थे हमने वो पार्ट डाले, क्रेन रिपेयरिंग करवाई है, मतलब इंजन का पूरा काम किया है, ये क्रोम वगैरह सब काम, बेयरिंग वगैरह, बुश ऑयल सील किट वगैरह, बुश वगैरह, बियरिंग वगैरह, गियर शाफ्ट वगैरह, स्टैंडर्ड साइज इंजन हुआ है, ठीक है। तो इसका इंजन का एक अप्रोक्सीमेटली लगभग का खर्चा बता सकते हैं आप? 8 से 10 हज़ार रुपये इंजन का खर्चा हो गया। कलर जो मैं देख रहा हूँ, कलर में बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग है, ग्लोस कलर आ रहा है। तो ये कलर कोटिंग यहीं कोटा में ही आपने करवाई जी? कलर का क्या खर्चा होता है इसका? अच्छा, कस्टमर की चॉइस के ऊपर है कि कस्टमर किस टाइप का कलर करवाना चाहता है, उसकी चॉइस के ऊपर हम कलर करवाते। ठीक है, ठीक है। ये क्रोम वर्क आपने कहाँ से करवाया? क्रोम का वर्क हम सर ये इंदौर से करवाते, क्रोम का वर्क इंदौर से करवाया, ठीक है। तो पेंट तो यहाँ हो जाता है, ठीक है।
तो क्रोम का क्या खर्चा है उस्ताद एक बार? क्रोम का जो मान लीजिए कम से कम 8 से 8.5 बैठ जाता है सामान के हिसाब से, जिसमें ज्यादा यहाँ से कोटा से इंदौर भेजना भी है, वहाँ से वापस लेकर 8 से 9 हज़ार रुपये क्रोम का वर्क है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी के अंदर ओरिजिनल हैंडल है, ओरिजिनल डिपर हॉर्न स्विच है, मीटर जरूर ये आफ्टर मार्केट है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, जावा की बेजिंग वाली हेडलाइट कैप है आप देख सकते हैं। तो हम खड़े हुए हैं जावा में, तो आपको ओबियसली ये दिखाई देगा कि जावा कंपनी का ही बेजिंग है और उस्ताद भी हमारे जावा कंपनी में हेड में गए। उस्ताद आपको कितने साल हो गए हैं इस काम को करते हुए? सन 72 से आप इन्हीं को रानी मनाते हैं? जी बस शौक है मुझे सर काम करने का। जी 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 जी। तो उसका इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है? पार्ट्स सर ये क्योंकि ये तो टू स्ट्रोक इतना मिलता नहीं है क्योंकि शोरूम तो बंद हो चुका है इसका। जी नया पार्ट तो मिल नहीं रहा किसी के पास है। नहीं ये गाड़ी तो टू स्ट्रोक है ना, अभी जो जैसे ये जावा है, ये जावा पेराग है, ये गाड़ी 4 स्ट्रोक है, तो इसका पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, कंपनी के शोरूम में इसका पार्ट्स अवेलेबल है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये 2 स्ट्रोक है, तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या होती है? सर जैसे जयपुर जाना पड़ता है, इंदौर से मंगवाना पड़ता है, जयपुर इंदौर मैसूर से, जयपुर इंदौर मैसूर से ऑनलाइन पार्ट्स मंगवाते हैं। ठीक है ठीक है। तो उस्ताद एक ये समय बताएं कि एक गाड़ी को बनाने में कितना समय लग सकता है? मान लीजिए क्या सर सामान में डेंटिंग पेंटिंग में इनमें टाइम लगता है, तो इन्हें मान लीजिए 2 से 2.5 महीने तो कई करीब 2 से 2.5 महीना मान के चलते हैं लग जाता है, आराम से लग जाता है। हाँ क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है ना, फिर पार्ट्स की वजह से इतना टाइम लगता है, तो इतना नहीं लगता जी। तो इसके अंदर और उस्ताद मैं देख रहा हूँ कि इंडिकेटर लगे हुए हैं, ठीक है जी, क्योंकि पुरानी हमने इसमें बैटरी सिस्टम किया हुआ है। अच्छा आपने इसमें बैटरी सिस्टम किया है, हेडलाइट भी एलईडी लाइट लगाए हुए हैं, वो भी डबल टोन में जी 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 दिखाई दे रहा है। तो उस्ताद इसमें आपने जो बैटरी लगाई है ये पुरानी जो 2 स्ट्रोक बाइक आया करती थी उस जमाने में, मेरे पास भी जावा है, मैं भी जावा ऑन करता हूँ, तो उस जमाने में तो बैटरी नहीं आया करती थी। तो सर जो कंपनी से गाड़ी आई सर पहले बैटरी आती, पहले बैटरी आती थी 6 वोल्ट की, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं आया करती। इंडिकेटर हम अलग से लगाते हैं, इंडिकेटर आपने कस्टमाइज किया है, ये तो बुलेट थंडरबर्ड का इंडिकेटर लग रहा है। तो एक बार उस्ताद इसमें बैटरी बता सकते हैं आपने कितनी बैटरी? बता सकता हूँ देखिएगा, ये देखिए दोस्तों बैटरी लगी हुई है, चल रही है बैटरी की, बैटरी लगी हुई है इसके अंदर लगाते हैं, ये बैटरी लगी हुई है देखिए, इसके अंदर हम एक रेक्टिफायर अलग से लगाते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये 12 वोल्ट बैटरी है तो इसके लिए अलग से कनेक्शन का, अलग से कनेक्शन लगाते करंट देना पड़ता है। जी 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 ठीक है उस्ताद समझ में आ गया, बंद कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम खर्चा जोड़ने चाहें तो जोड़ सकते हैं कि 10,000 रुपये का पेंट का खर्च है, 8,000 से 9,000 रुपये इसका निकल का वर्क है, तो ये आपका हो गया 19,000 रुपया। इंजन का खर्च उस्ताद कितना बताया था आपने? तो 19,000 और 10,000 रुपया इंजन का खर्च हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली ये खर्च आ गया आपका 30,000 रुपये का, बैटरी प्लस वायरिंग का खर्चा आप मान के चलिए 5,000 रुपये का, 35,000 रुपया। और उस्ताद आपकी लेबर चार्ज क्या है? 15,000 रुपये करीब बैठ जाते मेरी मजदूरी। उस्ताद की लेबर चार्ज है 15,000 रुपये, तो टोटल खर्च आया इसके अंदर टोटल खर्च आया है 50,000 रुपये का। तो ये हैं हमारे हेड मैकेनिक जावा के, 1972 से वर्क करते हैं, और अगर आपको गाड़ी बनवानी है तो गाड़ी आपकी रहेगी, आपको यहाँ गाड़ी भेजनी पड़ेगी, 50 से 60 हज़ार रुपये इसका अप्रोक्सीमेटली खर्चा है। क्यों सर 50 से 60 हज़ार? 50 इसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, ये लगभग मैंने एक आइडिया बताया है। और गाड़ी आप देख सकते हो उस्ताद, एक बार स्टार्ट करके बता दो गाड़ी को, ये गाड़ी होने जा रही है स्टार्ट। We'll be right back.
तो ये था दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो कि एक जावा को बनाने में कितने हज़ार रुपए का खर्चा आता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आप मेन जो हेड मैकेनिक साहब हैं हमारे इस्माइल भाई, इनका नंबर मैं आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन इनका 24 घंटे चालू रहता है। आपको अगर जो भी गाड़ी बनवानी है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, साथ में मैं मेरा भी नंबर डाल दूंगा। और दोस्तों एक गाड़ी को बनाने के लिए ये है शौकीन लोगों का काम, जिनको शौक है इस चीज़ का, ये है उन लोगों का काम। तो अगर आप इसका माइलेज की मुझसे पूछेंगे तो आप माइलेज मत पूछिए, क्योंकि शौक बड़ी चीज़ होती है। माइलेज इनका 25 से 30 का माइलेज होता है, क्यों उसका 25 से 30 माइलेज होता है, ठीक है ना। 35 निकाल देती है हाईवे पे, सिटी जी 35 का माइलेज देती है। तो दोस्तों शौक बड़ी चीज़ होती है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो में जो अच्छा नहीं लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आज का वीडियो यही इतना ही था, और ये पूरा वर्कशॉप है, ये पूरा वर्कशॉप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पूरा जावा का वर्कशॉप है मेरे कोटा शहर का। ये देखो ये पैराक खड़ा हुआ है, ये जावा है, पूरा स्टैंड है। चूँकि जावा जो है महिंद्रा कंपनी का टेक वेंचर है, तो महिंद्रा का भी यहाँ पे काम होता है। महिंद्रा रोडियो खड़ा हुआ है, और पूरा आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वर्कशॉप है। यहाँ पार्ट्स जो नई HD और जावा है उसका है, और ये गाड़ी कंप्लीट होके खड़ी हुई है, ये पैराक आई हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे कहूँगा कि आप एक बार मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ रऊफ खान आफरीदी फ्रॉम कोटा सिटी राजस्थान।